इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने MPG 2 सट्टा बॉक्स का पावर सप्लाई बदल सकते हैं, वो भी अपने घर पर। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपके मार्केट से आपको एक पावर सप्लाई खरीदना है जो कि 80 रूपए से लेकर 150 रूपए तक रहता है। अलग अलग क्वालिटी में, वरायटी में आपको मिलता है दोस्तों। जो भी आपको पसंद है वो आप खरीद सकते हैं, आपके मार्केट के हिसाब से वहां पर रेट होगा दोस्तों, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ये पावर सप्लाई जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पावर सप्लाई हमें यहाँ पर 100 रूपए में मिलता है, जो की हमने इसे खरीदा है। और हमें इसे खरीदने की जरूरत क्यों गिरी दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हम आपको बता दे कि यहाँ पर जो है दोस्तों, हमारा जो MPG 2 सट्टा बॉक्स है ये ऑन ही नहीं हो पा रहा है दोस्तों। यानी कि दोस्तों, इसका जो है दोस्तों पावर सप्लाई यहाँ पर पूरी तरीके से डेड हो चुका है। यहाँ पर अभी गर्मी का मौसम है दोस्तों, और यहाँ पर जो दोस्तों गर्मी के इसमें ये आपको ज्यादातर करके प्रॉब्लम आपके सामने आएगी दोस्तों। और यहाँ पर इसी प्रॉब्लम का यही एक सोल्यूशन है दोस्तों, जो कि आप यहां पर से आपके MPG 2 सेटअप बॉक्स का पावर सप्लाई बदल सकते हैं, वो भी अपने घर पर। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं किस तरीके से पावर सप्लाई का कनेक्शन कर लेना है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DS हेल्पिंग हैंड। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये हमारा पावर सप्लाई जो कि हमने इसे नया खरीदा है दोस्तों, और इसी को हम इसमें आपको फिट करके दिखाएंगे किस तरीके से आपको इसके कनेक्शन कर लेना है। तो दोस्तों, ये वीडियो देख के आप जो है अपने घर पर ही ऐसे छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जो कि हम आज के इस वीडियो में दिखाएंगे। तो इसके लिए जरूरत होगी दोस्तों आपको सोल्डरिंग आयरन की। तो एक आपके पास सोल्डर गन होना चाहिए दोस्तों, जो कि हमारे पास है, और इसी के कनेक्शन करने के लिए आपको एक सोल्डर गन की जरूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अभी ये पावर सप्लाई हम इसी MPG 2 सेटअप बॉक्स में लगाकर हम दिखा देंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों, हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, यहाँ पर हम इसको निकालकर, इसको बिठाकर इसके कनेक्शन कर देंगे और आपको दिखा देंगे दोस्तों। तो देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने अपने पावर सप्लाई को बॉक्स से निकाल दिया है, और इसकी जगह पर हम ये नया पावर सप्लाई लगाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने इसके कनेक्शन कर दिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर पावर सप्लाई का जो कनेक्शन आपको नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक आपको पॉइंट कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्ट कर देना है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको केबल दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक मार्क दिखाई देता है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस मार्क के हिसाब से आपको यहाँ पर जो है इसे इस तरीके से लगा देना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, आप चलिए हम बॉक्स ऑन करके देख लेते हैं कि ये बॉक्स ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसको पिन को लगा देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स ऑन हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ही अपने घर पर ही एक पावर सप्लाई को अपने सेटअप बॉक्स में बिठा सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट का काम है दोस्तों। अगर ये आप मार्केट में लेके जाते हैं, तो यहाँ पर मार्केट में आपका जो दुकानदार है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास से 150 से 200 रुपए लेगा दोस्तों इसको बिठाने के लिए। तो आप जो है दोस्तों अपने घर पर ही पावर सप्लाई बिठा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको बिठाना है दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यही बताना था कि किस तरीके से आप अपने MPG 2 सेटअप बॉक्स में ये प्रॉब्लम आती है, तो किस तरीके से आप जो है एक नया पावर सप्लाई अपने MPG 2 सेटअप बॉक्स में बिठा सकते हैं, वो भी अपने घर पर। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। बेल आइकॉन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। और आप जो है दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कोई नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।